आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी के अधिवेशन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सत्ता के गलियारों से दलालों को किया बाहर। मोदी को रोकने के लिए सपा बसपा का हुआ गठबंधन, 38-38 सीटों पर बनी सहमति। विवेकानंद जयंती पर मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार, कांग्रेस के राज में फीका हुआ आयोजन। राजनांदगांव में डॉक्टर्स की लापरवाही, 3 मासूमों ने कोख में ही दम तोड़ा। और मगरमच्छ की मौत से ग्रामीण हुए गमगीन, किया मगरमच्छ का अंतिम संस्कार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल ने यह साबित किया है कि देश सामान्य नागरिक के हित में बदल सकता है। भाजपा सरकार के कार्यकाल ने यह भी साबित किया है कि सरकार बिना भ्रष्टाचार के भी चलाई जा सकती है और सत्ता के गलियारों में टहलने वाले दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। भाजपा की सरकार का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और एक भारत श्रेष्ठ भारत। मोदी दिल्ली के रामलीला मैदान पर चल रहे भाजपा के अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जहां भाजपा के सफर का जिक्र किया, वहीं विपक्षी दलों और पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा, कभी दो कमरों में चलने वाली पार्टी, दो सांसदों वाली पार्टी आज इस विशाल स्वरूप में अपना राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है, जो अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा, सरकार बिना भ्रष्टाचार के भी चलाई जा सकती है और सत्ता के गलियारों में टहलने वाले दलालों को भी बाहर किया जा सकता है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। हर राष्ट्र की एक नियति होती है, उसका एक संदेश होता है और हर राष्ट्र का एक ध्येय भी होता है। भारत को भी अपने ध्येय को, अपनी ध्येय प्राप्ति को प्राप्त करना ही है और इसे प्राप्त करने में राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का पूरा सामर्थ्य, पूरा योगदान चाहिए होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार है और देश के 16 राज्यों में हम या तो सरकार चला रहे हैं या सरकार के सहयोगी हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो देश की तस्वीर कुछ और ही होती। वैसे ही 2000 के चुनाव के बाद अगर अटल जी प्रधानमंत्री बने रहते तो आज भारत कहीं और होता। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं, हमसे पहले की सरकार का जो कार्यकाल था उसने देश को बहुत अंधेरे में धकेल दिया। अगर मैं कहूं कि भारत ने 2004 से 2014 के महत्वपूर्ण 10 साल घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में गवा दिए तो गलत नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया है। हालांकि उन्होंने ईवीएम और राम मंदिर का डर अभी भी सता रहा है। मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी ने ईवीएम और राम मंदिर को लेकर चाल नहीं चली तो हमारा गठबंधन बीजेपी को सत्ता में आने से रोक देगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने कहा कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान गठबंधन बीजेपी को रोकने में कामयाब रहेगा और केंद्र में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, बशर्ते अगर पूर्व की तरह वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं की गई और राम मंदिर के मामले में जनभावना को भड़काया नहीं गया। भाजपा के अहंकार का विनाश करने के लिए बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिलना बहुत जरूरी था। आपको याद होगा, मैंने इसीलिए कहा था कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए अगर हमें दो कदम पीछे भी हटना पड़ेगा तब भी हम गठबंधन करेंगे और भाजपा के अहंकार को तोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से घबराकर
अपनी आदत के अनुसार भाजपा तरह तरह के षड्यंत्र रच सकती है, गलत फहमी पैदा करके हमारे कार्यकर्ताओं के बीच नफरत का वातावरण बना सकती है। भाजपा द्वारा दंगा फसाद कराने का प्रयास भी किया जा सकता है, परंतु हमें संयम और धैर्य से काम लेना है। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ BSP व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या BJP एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। इससे पहले मायावती ने कहा कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में BJP ने बेईमानी से सत्ता हासिल की थी, हमारा गठबंधन इस जनविरोधी सरकार को सत्ता में आने से रोकेगा, जैसे हमने मिलकर उपचुनावों में BJP को हराया है उसी तरह हम आगामी लोकसभा चुनाव में BJP को हराएंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश में अराजकता का माहौल है, अगला प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से होगा और हमारा ही होगा। दोनों पार्टियों के नेताओं ने शनिवार को इसका औपचारिक ऐलान कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा दोनों 38-38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस नहीं होगी, लेकिन उनकी दो अहम सीटों रायबरेली और अमेठी पर गठबंधन की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा, बाकी बची दो सीट सहयोगी दलों के लिए रिजर्व रखी गई है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आज पूरे प्रदेश में सूर्य नमस्कार किया गया, लेकिन MP में सरकार बदलने के बाद यह आयोजन कुछ फीका फीका नजर आया। सूर्य नमस्कार का पहला कार्यक्रम छतरपुर के एक्सीलेंट स्कूल में आयोजित किया गया, लेकिन इस सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में जहां स्कूली बच्चों और प्रशासनिक अधिकारियों ने शामिल होकर सूर्य नमस्कार किया, वहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और नेताओं ने सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम से किनारा किया। इस कार्यक्रम में हमेशा जैसी रौनक भी नजर नहीं आई। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसमें विगत वर्षों से सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम सभी विद्यालयों में मध्य प्रदेश के होता है, उसी क्रम में अपने यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय छतरपुर में भी के मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 2000 सभी अतिथिजन भी आए हैं और मीडिया के सभी लोगों उपस्थिति रही, तो कार्यक्रम संपन्न। जी भोपाल से आया, हमारा जो हमें आपके चैनल और समाचार माध्यम से जो जानकारी हुई है उसमें हमारे विधायकगण जो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, आमंत्रण पत्र आया होगा, आमंत्रण पत्र आया होता तो भी मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं था, और नहीं तो हम लोग निश्चित तौर से पहुँचे। देखिए हमने आपको बताया कि सारे लोग सत्र के दौरान वहाँ पर भोपाल में थे, इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं। छतरपुर में इस कार्यक्रम में BJP की नगर पालिका अध्यक्ष और BJP के नेता शामिल होकर सूर्य नमस्कार करते नजर आए, लेकिन कांग्रेस नेताओं का सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल न होना चर्चा का विषय बना रहा, जबकि प्रशासन की ओर से कांग्रेस नेताओं को इसकी जानकारी और निमंत्रण भी दिया गया था। राजनांदगांव जिला अस्पताल में उस समय हंगामा मच गया जब डिलीवरी के लिए आई 3 अलग अलग महिलाओं के गर्भ में ही बच्चों की मौत हो गई। इस सब के बावजूद डॉक्टर्स ने इस ओर कोई ध्यान तक नहीं दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के इलाके राजनांदगांव के जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम है। हद तो तब हो गई जब नंदिनी साहू नामक महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस महिला के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। इसके 18 घंटे बाद तक महिला का ऑपरेशन नहीं किया गया और ना ही कोई डॉक्टर महिला की सुध लेने पहुंचा। महिला की हालत बिगड़ते देख परिजनों ने हंगामा किया, इसके बाद भी डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। सोनोग्राफी कराए ले गए, वहां से सोनोग्राफी में बताया इसकी बच्चा के नहीं है, खत्म हो गए डेट हो गया। कब लाए थे इसको? कल लाए थे। डॉक्टर कितने डॉक्टरों ने देखा इसको? हाँ, डॉक्टर से ये नर्स देखी से। क्या बोले फिर डॉक्टर? बताबो करके बोला तो से। अभी 1 बज रहा है, अभी तक कोई हलचल नहीं। हाँ, अभी तक हलचल नहीं हुआ, अभी करी तभी करी कि देखा था। एक रात में 11 बजे के आसपास आई थी और दूसरा सवेरे 8:30 बजे के आसपास आई थी। प्रारंभिक जांच पड़ताल यहाँ की गई थी और ये पाया गया था कि बच्चा पेट में खेल नहीं रहा है। उनका सोनोग्राफी किया गया, सोनोग्राफी में पाया गया कि दोनों बच्चे पेट में ही खत्म हो चुके हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड की शिकायतें मिली हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं। और दूसरा, यहाँ जो नाइट में जो डॉक्टर थी वो कॉल करने पर भी नहीं आई, नीलम
करके है, वो पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले दो अन्य गर्भवती महिला राजेश्वरी और सुलोचना के बच्चे भी गर्भ में ही मर गए थे। उसके बाद भी कोई डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहा था। मीडिया के पहुंचने के बाद जिला अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर हरकत में आए। माहौल बिगड़ता देख अपर कलेक्टर और एसडीएम अस्पताल पहुंचने और डॉक्टरों को फटकार लगाई। वहीं अपर कलेक्टर ने कहा कि दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 150 साल की उम्र के मगरमच्छ की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। यह कहानी है बिलासपुर जिले के बेमेतरा स्थित ग्राम बाबा मेहतरा की। यहां एक तालाब में डेढ़ सदी से एक विशालकाय मगरमच्छ का निवास था। समूचे गांव की दिनचर्या इसी तालाब पर निर्भर है। इस मगरमच्छ से लोगों का ऐसा रिश्ता बन गया था कि इसकी मौत ने सभी को गमगीन कर दिया। ग्राम बाबा मेहतरा के तालाब में नहाते और कपड़े धोते समय सैकड़ों बार इस मगरमच्छ का आमना सामना ग्रामीणों से हुआ, मगर इसने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। तालाब में मौजूद मछलियों के आहार पर ही इस मगरमच्छ ने डेढ़ सदी का जीवन व्यतीत किया था। इस गांव सहित आसपास के ग्रामीणों के लिए यह जलचर देवता के समान महत्व रखता था। इसकी मौत की सूचना पाते ही हजारों लोग इसकी पूजा अर्चना के लिए जमा हो गए। यह नजारा जहाँ एक ओर बेहद मार्मिक था, वहीं दूसरी ओर इंसान और जीवों के बीच प्रेम और श्रद्धा का जीता जागता उदाहरण भी था। बहरहाल वन विभाग की औपचारिकता के बाद समूचे गांव वासियों ने विधिवत इसका अंतिम संस्कार किया। साथ ही इस गांव में मगरदेव का मंदिर बनाने पर भी सहमति बन गई। छतरपुर के बक्सवाहा में बदमाशों ने मिर्च पाउडर डालकर पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना उस समय की है जब पेट्रोल पंप के कर्मचारी हिसाब किताब कर रुपए गिन रहे थे। पिछले एक माह से छतरपुर में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बक्सवाहा के पेट्रोल पंप पर कर्मचारी रुपए गिन रहे थे, तभी किसी ने मिर्च पाउडर टेबल पर फेंका और बिजली बंद कर दी। और जब तक पेट्रोल पंप कर्मी कुछ समझ पाते, तब तक बदमाश पेट्रोल पंप से 2,07,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। हमारे उस पर किसी ने मिर्ची डाल के पैसे लूट लिए हैं। तो हम अपने दलबल के साथ तत्काल पहुँचे। नगर के भी कुछ संभ्रांत लोग पहुँचे, मीडिया के लोग भी पहुँचे। उसको जब बारीकी से जो उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पाया गया कि कोई बाहरी असामाजिक तत्व नहीं आया है। और जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, चाहे वो राजेश हों या जो भी हों, उनके ही द्वारा ये पैसे हड़पने के उद्देश्य से इस घटना को षड्यंत्र पूर्वक सूचित किया गया है। कैमरे में इतना आया कि 3:08:12 पर एक जो घटना हुई है, उसके 3-4-5 मिनट बाद लाइट बंद कर दी उनने। बाद में कि पहले? नहीं, हमें लगता है पहले बंद की है लाइट। अच्छा, लाइट पहले बंद की, फिर वो लूट, उनने लूट का पूरा वो जालसाज कर दिया उनकी आंखों में मिर्च झोंक के। जैसा कि हम यहाँ आए तो हमें तो हमारे लोगों ने बताया कि हम अपने यहाँ लूट हो गई। हमने कैसे हो गई, हम तो अभी थे आपके पास और मैनेजर को भी हम लेके गए। अब भाई पेट्रोल पंप में लूट की वारदात की सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की नाकाबंदी की, लेकिन लुटेरों का कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल चुकी है। पुलिस का कहना है अपराधी शीघ्र पकड़े जाएंगे। जंगल से गोंद की तस्करी करने वाले तस्करों को वन विभाग ने पकड़ा है। तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में सलैया गोंद जब्त किया गया। इसके संग्रहण, खरीदी और विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। छतरपुर के बड़ा मलेरहा वन विभाग ने एक गोंद की तस्करी करने वाले ग्रोह को पकड़ा है। इस ग्रोह के लोग जंगल से गोंद तस्करी कर बाजार में बेचते थे। इनके पास से 4,00,000 रुपए कीमत का 13 क्विंटल सलैया गोंद जब्त किया गया है। बड़ा मलेरहा वन अमले ने मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों सहित वाहन में लदा सलैया गोंद जब्त किया। एक गाड़ी जिसका नंबर MP16GA1034 है, ये संदिग्ध रूप से भागते हुए दिखी। इसका पीछा करने पर घेराबंदी कर पकड़ा गया, तो इसमें लगभग 21 बोरी सलाई की गोंद पाई गई। बाद में कार्रवाई की गई, उसकी तौल कराई गई, लगभग 13 क्विंटल 4 किलो गोंद का वजन निकला। इसकी बाज़ार में कीमत लगभग 4,00,000 रुपए है। दो आरोपी मयंक जैन और राहुल प्रजापति से इसकी जब्ती बनाई गई है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत इनके खिलाफ
प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और कार्रवाई जारी है। जंगलों से सलैया गोंद की चोरी छिपे तस्करी का काम लंबे अरसे से चल रहा है, जिस पर यह कार्रवाई की गई। सलैया वृक्ष की गोंद जैव विविधता के अंतर्गत आती है। इसका उपयोग खुशबूदार अवयव के निर्माण में किया जाता है। इस गोंद का संग्रहण, खरीद और विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भोपाल पुलिस कंट्रोल में महिला प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस के आला अफसर मौजूद रहे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और महिला अपराधों को रोकना था। आयोजन में महिला पुलिस विभाग को सजग रहने और महिला पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने के बारे में भी चर्चा की गई। प्रशिक्षण में ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सभी जानकारियां दी गईं। ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स है, जिसमें कि महिला अपराधों से संबंधित जो केसेस होते हैं उसमें सेंसिटाइजेशन के संबंध में है। इसमें महिला अपराधों के संबंध में हर पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कि सॉफ्ट स्किल्स, आपका किस तरह से बिहेव किया जाए यहाँ से लेकर, तो जो भी कानूनी पहलू होते हैं छोटे छोटे, जब आपके पास में कोई पीड़िता आई है वहाँ से लेकर, तो कोर्ट में जब केस जाता है और वहाँ पर सुनवाई होती है, तो वहाँ तक के सारे पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है। भोपाल में कुश्ती महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी को किया जाएगा। कुश्ती महाकुंभ में देश भर के पहलवान अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। भोपाल में एक बार फिर कुश्ती का महाकुंभ होने जा रहा है। कुश्ती महाकुंभ के आयोजक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने बताया कि इस महाकुंभ में महिला और पुरुष दोनों भाग लेंगे। गोयल ने बताया कि कुश्ती महाकुंभ का आयोजन श्रीमती इंदिरा गोयल की स्मृति में किया जा रहा है। 37 जोड़े कल दंगल में भाग ले रहे हैं, मतलब 74 तो हो गए पहलवान। उसके अलावा हजारों की तादाद में लोग भोपाल के देखने आएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हम हिंदुस्तान की उस संस्कृति को जिंदा करने में लगे हैं जो एक छोटे से मुल्क की हुआ करती थी, जिसको अंग्रेजों ने खेत कर रखा था। हमारा मुल्क संपन्न था, हमारी कमाई सब वो ले जाते थे। ऐसी परिस्थिति में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने इन्हीं खेलों वाले को जोड़ा। कुश्ती वाले हो, कबड्डी वाले हो, खो खो वाले हैं, गुल्ली डंडे वाले, सबको जोड़ा उन्होंने। जोड़ जोड़ के देश बनाया, सेना बनाई, देश आजाद कराया। तो हम उसी संस्कृति को फिर से, परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश में जो पुरानी परंपराएं लुप्त होती जा रही है। अखिल भारतीय पुरुष व महिला कुश्ती महाकुंभ के आयोजन में देश के जाने माने पहलवान शामिल होंगे। गोविंद गोयल ने बताया कि कुश्ती महाकुंभ में पहलवानों के 37 जोड़े शामिल होंगे। गोयल ने बताया कि दर्शकों को असुविधा ना हो, इसके लिए चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। गोयल ने बताया कि कुश्ती आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि देश की पुरानी परंपरा को बनाए रखा जाना चाहिए। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा छतरपुर पुलिस ने किया है। इस गिरोह के सरगना आकाश खंगार की टीम कई राज्यों में लोगों के साथ ठगी कर रही थी। छतरपुर की गुलगंज थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। एटीएम कार्ड बदलकर यह गिरोह काम करता था। यदि कोई व्यक्ति एटीएम से रुपए निकालने जाता था तो इस गिरोह के लोग उनसे रुपए निकलवाने के बहाने एटीएम कार्ड बदल लेते थे और फिर उनके अकाउंट से रुपए निकालकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। थाना गुलगंज में 28/12/18 की घटना थी। इसमें एटीएम को बदलकर 64,500 रुपए की ठगी की गई थी। इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस द्वारा लगातार प्रतारसी करने पर इस गैंग का खुलासा हुआ है। अंतर्राज्यीय स्तर के ठग हैं जो एटीएम पर ही जो सीधे साधे लोग हैं उनको निशाना बनाते हैं। इस गैंग में अभी एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, उससे एटीएम कार्ड्स और धनराशि जब्त की गई है। शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस गिरोह के सरगना आरोपी आकाश खंगार को पुलिस ने दबोचा। उसके कब्जे से 2 एटीएम कार्ड, 15,000 रुपए भी जब्त किए। वहीं इसके मास्टरमाइंड सोबित गुप्ता और सरगना आकाश का भाई दीपक फिलहाल फरार हैं। ये लोग एटीएम कार्ड बदलकर कई राज्यों में वारदातें कर चुके हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर भोपाल में बीएसएस कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक किया और रैली निकाली। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित किया। 17 जनवरी तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज बीएसएस कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छात्रों ने बताया कि दो पहिया वाहन में किस तरह से हेलमेट जरूरी होता है, वहीं चार पहिया वाहन में भी सीट बेल्ट को लगाने की बात नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताई गई। एक सर्वे के अनुसार देश में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं।
समय ये पूरा वीक जो है ट्रैफिक अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है, तो उसको लेकर के हमने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है जो कि बच्चे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक करेंगे और लोग बागों को अवेयर कराएंगे कि कैसे हमें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें सीट बेल्ट का यूज़ करना चाहिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग किस चीज़ के लिए होती है और कहाँ पर कैसे हमें इन सब चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए। तो आज हमारे बच्चे हमारे BSS NSS यूनिट जो है गर्ल्स की और बॉयज़ की इस नुक्कड़ नाटक को तैयार कर रही है जिससे कि हमारी दुर्घटनाएं कम हो, लोग बागों को पता चले कि हमें इन सब चीज़ों से कैसे बचना चाहिए और यूज़ करके हम कितने फ़ायदे में रहेंगे। जैसा कि आप इधर देख सकते हैं हम एक इधर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं आज पूरे सब लोगों के लिए ताकि हम उसमें ये समझा पाए कि जो यातायात के नियम होते हैं वो क्या क्या होते हैं और कैसे कैसे हमें उसको फॉलो करना चाहिए। एक और जहां BSS कॉलेज के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई, वहीं छात्रों ने रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। छात्रों ने बैनर और पोस्टर लगाकर सड़क सुरक्षा से संबंधित कानून और नियम के बारे में भी लोगों को बताया। ऑल इंडिया जवाहर नवोदय विद्यालय एलुमिनी मीट और मैराथन दौड़ का आयोजन रविवार 13 जनवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में किया जाएगा। जागृति 2019 के नाम से चर्चित इस कार्यक्रम का आयोजन एलिट नवोदयंस ने किया है। आयोजन में जवाहर नवोदय विद्यालय के लगभग 1200 छात्र भाग ले रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन को नवोदयंस के महासम्मेलन का रूप दिया गया है। जवाहर नवोदय विद्यालय से निकले हुए छात्र इस मैराथन दौड़ को आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम में मैराथन दौड़ के अलावा स्वल्पाहार, रंगमंच, तड़का उत्सव और गुफ्तगू जैसे कार्यक्रम अलग अलग समय में रखे गए हैं। आगामी 13 तारीख को 13 जनवरी को नेशनल नवोदयंस मैराथन एंड एलुमिनी मीट हो रहा है। ये भोपाल के रविंद्र भवन में जानी पहचानी जगह है, रविंद्र भवन में हो रहा है और इसमें मैराथन सुबह 6 बजे से शुरू होगी और ये अपने खानोगांव इम्पीरियल सैबरे होटल है वहाँ से रिटर्न होकर वापस रविंद्र भवन पर आएगी। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज रखे गए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज क्रमशः 5000, 3000 और 2000 हैं और इसके बाद फिर 10 बजे से अपना एलुमिनी मीट शुरू होगी। इस एलुमिनी मीट में पूरे देश भर से अलग अलग जो एलुमिनाइज हैं वो आ रहे हैं नवोदय विद्यालय के। इस रेस का मेन मोटो है भारत में राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश और भारत में राष्ट्रीय सौहार्दता को लाना। हम लोग रंग जाति पद भेद रहित के आधार पर कार्य करते हैं और हम लोग इसी चीज़ को इसी मोटो के तहत पढ़े लिखे बड़े हुए हैं और इसी मोटो के तहत हम लोग अपने इस को आगे ले जाकर सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम रंग जाति पद भेद रहित से ऊपर उठकर मानवता के लिए कार्य करेंगे तभी इसमें सभी का कल्याण है, सभी का विकास है। सुबह 6 बजे हम लोग नेशनल मैराथन मीट स्टार्ट कर रहे हैं। नेशनल मैराथन मीट जिसमें पूरे भारत के नवोदय में पढ़े हुए एलुमिनीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें नॉन नवोदयंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुबह 6 बजे करेक्ट ये मैराथन स्टार्ट हो जाएगी जो रविंद्र भवन से स्टार्ट होकर खानुगांव चौराहा तक जाएगी और वापस रविंद्र भवन पर आकर खत्म होगी। कार्यक्रम के मिलन समारोह में सभी नवोदयंस अपने अनुभव भी बांटेंगे। जागृति 2019 यह पहला मौका होगा जब पूरे देश से नवोदय विद्यालय से निकले हुए छात्र एकत्रित होंगे और अपने अनुभव नए छात्रों और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों का कहना है कि यह कार्यक्रम नहीं बल्कि फैमिली गैदरिंग है क्योंकि नवोदय एक फैमिली की तरह है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवोदयंस का एक दूसरे के प्रति विश्वास, नवोदयंस की एकता और नवोदयंस का एक दूसरे के प्रति प्रेम को लेकर रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए नवोदयंस इन MP फेसबुक पर देख सकते हैं। मैराथन दौड़ के बाद सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी जाएगी। रसूखदारों का दोहरा चेहरा और उनके घटिया और अमानवीय कृत्यों का खुलासा हुआ नाटक डाकू में। मुद्रा राक्षस के इस नाटक का निर्देशन बालेंद्र सिंह बालू ने किया है। भोपाल के शहीद भवन में हम थिएटर ग्रुप के बहुचर्चित नौटंकी नाट्य डाकू का आयोजन किया गया। नाटक के मुख्य किरदार डाकू का अभिनय और निर्देशन रंगकर्मी बालेंद्र सिंह ने किया। नाटक का मुख्य उद्देश्य समाज के रसूखदारों की घटिया मानसिकता को उजागर कर आम लोगों को जागृत करना रहा। कृष्ण दामू एजुकेशन कल्चर एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी भोपाल के तत्वाधान में डाकू नाटक का आयोजन किया गया। आयोजन के पहले वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता व निर्देशक स्वर्गीय इरफान सौरभ को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आयोजन मुख्य अतिथि के रूप में दखल न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय और कवि लेखक अमिताभ मिश्रा मौजूद रहे। डाकू के लिए मुझे एक ही चीज क्यों याद आता है डाकू को लेके कि मैं मुकम्मल हो गया तो देवता बन जाऊंगा।
मैं मुकम्मल हो गया तो देवता बन जाऊंगा, मुझ में जो है खामियां वो खामियां रहने दीजिए। 18 साल पहले इस व्यक्ति में जो खामियां थी उनके साथ इस आदमी ने, इस व्यक्ति ने जो मुकाम हासिल किया है, उनको बहुत शुभकामनाएं, इनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। और बॉस रंगमंच पे डाके डालते रहिए, लूटते रहिए लोगों के दिल को। आज का नाटक डाकू, डाकू ये कोई डाकू की कहानी नहीं है, ये एक आम आदमी के डाकू बनने की कहानी है कि किस तरीके से पॉलिटिशियंस लोग जो है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आम जनता का इस्तेमाल करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और गांव में सूखा अकाल पड़ा हुआ है उस पर ध्यान न देकर सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो उस पर ये बहुत ही प्यारा नौटंकी शैली का एक नाटक है डाकू, जिसको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये लगभग 16-17 साल से हम लगातार इसको करते आ रहे हैं और पूरे देश में इसके बहुत अच्छे शोज हुए हैं। वरिष्ठ रंगकर्मी और बॉलीवुड कलाकार बालेंद्र उर्फ बालू ने मुख्य किरदार निभाने के साथ डाकू का बेहतरीन निर्देशन किया। नाटक में दिखाया गया कि कोई आम आदमी किन परिस्थितियों में डाकू बनता है। नाटक में अभी भी समाज में रह रहे सफेद पोश डाकुओं पर कटाक्ष किया गया। मुद्रा राक्षस रचित नाटक डाकू का संगीत रवि लाल सांगड़े ने तैयार किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।